जितने इनाम तूने जीते हैं, उतने खिलौने लेकर आई तेरी मम्मी। हेलो दीपिका। गुड इवनिंग दीपिका। गुड इवनिंग मैम, अब आपकी तबीयत ठीक है? अच्छी है दीपिका। सॉरी कल मैं एनुअल फंक्शन में आ नहीं पाई थी, लेकिन पता है कल पूरे स्कूल ने मुझे फोन किया। अब सबसे काबिल स्टूडेंट के क्लास टीचर होने पे भी तो शाबाशी मिलती है ना। चलो चल, मैडम जी के आशीर्वाद ले ले। चल चल चलो। अरे चलो चलो चलो, मैडम जी के आशीर्वाद ले लो। लेकिन इनाम तो दीपिका ने जीते है ना? नहीं मैडम, इनाम मैंने नहीं, मेरी छोटी बहन जानवी ने जीते हैं। तुम झूठ क्यों बोल रही हो दीपिका? मैडम जी, आपसे कोई गलत फैमिली हो रही है। इनाम जानवी ने जीते हैं, वो ही घर पर लेकर आई थी। शोभा जी, आपको एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आपने अली बाबा की कहानी सुनी है? उसे ना बहुत सारा सोना मिला था, और वो सोना वो गधे पे लाद के लाया था। अब पीठ पे लादने से वो सोना गधे का तो नहीं हो गया ना? वो सोना अली बाबा का था और उसी का रहा। वैसे ये इनाम दीपिका ने जीते और उसी के रहेंगे। और आप माँ होकर अपनी बच्चियों के गुण नहीं पहचान पाए? शोभा जी, जिस बेटी को आप इग्नोर कर रही हैं ना, देखिएगा एक दिन वही बेटी आपका नाम रोशन करेगी। तुमने सही कहा था, तुम्हारी बेटी वाकई में तुम पर ही गई है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सुधरने का नहीं, सालों पुरानी गलती को सुधारने का वक्त है। बैठो। मम्मी आप भी आओ ना। हाँ हाँ, हम उस वाले में आ रहे, चल चल। ठीक है। मेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी! 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 हे भगवान, मुझे मेरे मम्मी बाबा के पास जाना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।